मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज मोहिनी शर्मा, योर मोरल टीचर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड योर चैप्टर नंबर 1, विच इज बुक्स आर रियल फ्रेंड्स, विच मीन्स कि जो किताबें होती हैं वो हमारी बहुत अच्छी मित्र होती हैं. शैल वी स्टार्ट? अनुज वॉज अ वेरी स्मार्ट एंड ब्रिलियंट बॉय. अनुज जो था वो बहुत ही बुद्धिमान लड़का था. ही स्टडीड इन महावीर विद्यालय. वो महावीर विद्यालय में पढ़ता था. ही ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स. अनुज जो था वो खेल कूद और पढ़ाई के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आपके स्कूल्स में कराई जाती हैं, उन सब में पार्टिसिपेट करता था. बट हिज वीकनेस वॉज दैट ही डिड नॉट लाइक द लाइब्रेरी पीरियड. बट उसकी सबसे ज़्यादा कमजोरी ये थी कि उसे ना लाइब्रेरी पीरियड पसंद नहीं था. ही ऑलवेज वेंट टू द लाइब्रेरी विद अ बैड फेस. वो लाइब्रेरी हमेशा दुखी मन के साथ या सैड फेस के साथ जाता था. ही हैड नो इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स. ही ओनली वेंट थ्रू स्पोर्ट्स मैगजीन. उसको बुक्स पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. वो सिर्फ लाइब्रेरी इसलिए जाता था कि बस वहाँ जाके स्पोर्ट्स की मैगजीन पढ़ सके. अनुज पेरेंट्स डिड देयर बेस्ट टू ब्रिंग इनटू हिम द गुड हैबिट ऑफ रीडिंग बट दे कुड नॉट सक्सीड. अनुज के जो पेरेंट्स थे वो आप लोगों के पेरेंट्स के जैसे ही थे, तो उन्हें ये परेशानी थी कि हमारा बेटा पढ़ नहीं रहा है, उसके अंदर पढ़ाई करने की जो जिज्ञासा है वो उत्पन्न नहीं हो रही है. तो उन्होंने क्या सोचा, बुक रीडिंग वॉज बोरिंग फॉर अनुज. पेरेंट्स को पता था कि बुक पढ़ना अनुज के लिए बहुत बोरिंग काम है, जैसा कि आप लोगों को लगता है. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एट ऑल. वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था बुक को पढ़ना. बट अ लिटल लेटर समथिंग स्ट्रेंज हैपन्ड. बट कुछ टाइम बाद एक बहुत ही अचानक से चीज़ें होने लगी. इट वॉज अनुज बर्थडे. हिज पेरेंट्स प्रेजेंटेड हिम अ वंडरफुल एक्वेरियम विद सम वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल फिश. कुछ टाइम बाद अनुज का जब बर्थडे आया तो उसके पेरेंट्स ने उसे एक बहुत ही प्यारा एक्वेरियम गिफ्ट किया, जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी बहुत ही सुंदर सुंदर फिश थी. एक्वेरियम वो जगह होती है जिसमें फिश को रखा जाता है. अनुज वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी. ही ऑलवेज विश्ड टू हैव पैट. अनुज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा खुश हुआ पैट्स को देखकर. एट लास्ट ही गॉट देम. और उसे इस बार अपने बर्थडे पे सबसे पहले अपने पेरेंट्स की तरफ से ये गिफ्ट के तौर पर मिला. ही सिंसियरली प्रोमिस्ड हिज फादर एंड मदर टू लुक आफ्टर द फिश प्रॉपरली. अनुज ने ये प्रॉमिस किया अपने फादर को और मदर को कि मैं अपने पैट्स को, अपने फिशेस को बहुत ही ध्यान से रखूँगा. वेरी सून अनुज रियलाइज दैट इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क टू लुक आफ्टर दीज पैट्स. बहुत ही जल्द अनुज को ये रियलाइज़ हो गया, अनुज को ये पता चल गया कि पैट्स को लाना बहुत आसान है लेकिन उनको टेक केयर करना बहुत मुश्किल है. टू कीप द फिश हेल्थी एंड सेफ ही रिक्वायर्ड टू नो लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट दैम. फिश को किस तरीके से हेल्थी रखना है, सुरक्षित रखना है, ये सब जानने के लिए उसे बहुत सारी नॉलेज की ज़रूरत पड़ने वाली थी. ही न्यू नथिंग अबाउट हाउ टू केयर फॉर द फिश और इवन द टाइप ऑफ फूड टू फीड दैम. अनुज को कुछ नहीं पता था कि किस तरीके से हम फिश की देखभाल करेंगे और किस तरीके का खाना हम फिश को खिला सकते हैं. When he approached his mother to help him, she answered that she too did not know anything about the fish. जब अनुज अपनी मदर के पास गया हेल्प मांगने के लिए कि मुझे इस चीज़ में हेल्प करो, तो उसकी मदर ने उसको बोला कि मैं खुद इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि फ़िश के टेक केयर कैसे करते हैं. शी एडवाइज्ड हिम दैट ही शुड गेट सम बुक्स फ्रॉम हिज लाइब्रेरी फॉर द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. बट उन्होंने अनुज को एडवाइस किया कि वो लाइब्रेरी से कुछ बुक्स बोरो करे, यानी कि कुछ बुक्स लेकर आए और उनसे
जो भी ज़रूरत की जानकारी है वो उसे ले। नेक्स्ट डे इन द स्कूल इन द लाइब्रेरी पीरियड अनुज आस्क्ड फॉर। अगले दिन अनुज लाइब्रेरी पीरियड जाकर वहाँ जाकर बुक्स मांगता है, सम नेसेसरी बुक्स ऑन द एक्वेरियम फिश केयर, कि मुझे कुछ बुक्स चाहिए जिसमें मैं अपनी फिशेज को टेक केयर कैसे कर सकता हूँ, मुझे उसके बारे में जानना है। वेरी सून अनुज लर्न द आर्ट ऑफ कीपिंग द एक्वेरियम क्लीन। बहुत ही जल्द अनुज ये सीख गया था कि हमें किस तरीके से एक्वेरियम को साफ रखना है, फीडिंग द फिश, किस तरीके से उन्हें खाना खिलाना है, एंड चेंजिंग द वाटर, और कैसे हमें उसका पानी बदलना है। ही इवन स्टडीड व्हाट फूड शुड बी प्रोवाइडेड टू द फिश। अब अनुज को ये भी पता चल चुका था कि हमें फिश को किस तरीके का खाना भी खिलाना है। बिसाइड फिश ही रीड अ बिट अबाउट अदर पेट्स ऑल्सो। उसने ऐसा नहीं कि केवल फिश के बारे में पढ़ा हो, उसने अदर एनिमल्स के बारे में या अदर पालतू जानवरों के बारे में भी पढ़ा। एंड स्टार्टेड टू शेयर हिज नॉलेज विद हिज क्लोज फ्रेंड्स, और उसने अपने फ्रेंड्स को भी ये बताना शुरू किया कि हम किस तरीके से अपने पेट्स को टेक केयर कर सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं। नाउ रीडिंग बिकम्स अ फन एंड थ्रिल फॉर अनुज, और अब धीरे धीरे अनुज को पढ़ने में मज़ा आने लगा और वो पढ़ना स्टार्ट करने लगा। सो बच्चों, इस पोएम से या इस थ्योरी से आपको ये पता चलता है कि जो हमारी बुक्स हैं, बुक्स प्रोवाइड अस मोर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जो बुक्स होती हैं वो हमें ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान करती हैं, यानी कि हमें वो बुक्स क्या करती हैं, हमें ज्ञान प्रदान करती हैं और हमें अनुभव प्रदान करती हैं। बुक्स आर आर रियल फ्रेंड्स, और बुक्स से अच्छा मित्र हमारा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।